और आप देख रहे हैं अक्खी वुड। दोस्तों मैंने फिल्म देखी पल्लवी जोशी मैडम की वो छोकरी, और पूरी फिल्म आप तब देखो जब आप दुनियादारी और ये भीड़ भाड़ शोर शराबा और ये डिशुम डिशुम और एक्शन इस तरह की जो नॉर्मल फिल्में हम डेली टू डे लाइफ में देख रहे हैं उनसे बोर हो चुके हों। एकदम रिलैक्स होके आप इस ये फिल्म रात में देखो, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू पापू, मैं देख रही थी कि आपको याद है या नहीं। पापू कभी कोई चीज भूलते हैं बेटा। तुम कहाँ चले गए थे पापू? कहाँ गया था बेटा, देखो आ गए। देखो अब कहीं नहीं जाना। नहीं जाऊंगा बेटा, नेक्स्ट मंथ ऊटी। गॉड प्रॉमिस? गॉड नहीं, पापू प्रॉमिस है। ये फिल्म खास करके पिता की जो वैल्यू होती है एक परिवार में उसको फोकस करती है कि पिता चाहे आपका कितना भी बेकार हो, बेकार मतलब कि जो नॉर्मल पिता होते हैं जो जिम्मेदारी समझते हैं, अगर वो जिम्मेदारी भी नहीं समझते हैं तो भी अगर वो जिंदा हैं तो भी आपका एक सहारा, आपके पास एक मजबूती है। वो एक कुत्ता है जो अपनी बीवी और बच्चे का भी गोश्त खा सके है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मर्दों का मतलब होता है, मजबूरी नहीं होती। एक बार पापू से मिलेंगे तो सब ठीक। अगर आपके पास पिताजी ना हो तो वो बिना पिता के लाइफ में क्या क्या हो सकता है वो सब आप इस फिल्म में आप देखोगे। इस घर को नौकरानी की नहीं रानी की जरूरत है। तो एक पिता की वैल्यू क्या होती है एक परिवार में वो आप इस फिल्म में देखोगे। यहाँ पे एक पल्लवी मैडम होती है जो अपने अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उनके पिता होते हैं पॉलिटिशियन। मैं नहीं कहती थी कि पापू जरूर मिलेंगे। पापू, पापू मैं तुम्हारी दुलारी अक्षरा टूनी। पापू, मैं जा रहा हूँ, मुझे ना पापू, पापू, पापू मैं। पॉलिटिशियन मतलब बहुत अच्छी बातें करते हैं देश को जोड़ने की, समाज को जोड़ने की, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको बचाने की, मतलब जिस तरह की वो बातें करते हैं कोई भी इंसान कहेगा नेता ऐसा ही होना चाहिए। और वो रियल लाइफ में कैसे होते हैं वो आज जब ये फिल्म देखोगे तब आपको पता लगेगा। तो एक दर्द भरी दास्तान एक लड़की की, उसकी जर्नी, उसका जो सफ़र होता बिना पिता के, वो इस फिल्म में दिखाया गया है कि उसको क्या क्या मुसीबतें समाज की फेस करनी पड़ती हैं और उसकी माँ को क्या क्या जिल्लत सहन करती पड़ती है, वो सब आप इस फिल्म में देखोगे। तो ये फिल्म मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छी लगेगी। रिलैक्स मोड में फिल्म है और पुरानी तरीके से फिल्माई गई है, तो थोड़ा सा अगर आप 90s या 80s के जन्मे हो तो आपको अपना जमाना भी याद आ सकता है। बाकी जो नई जनरेशन है उनको ये पता लगेगा कि पापा की वैल्यू क्या होती है लाइफ में। तो ये फिल्म आप ज़रूर ज़रूर देखो, अच्छी फिल्म है और बहुत ही अच्छी फिल्म। दोस्तों बस इतना ही कहना था फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।